Hello, my dear students. Welcome to our channel Quick to Learn. Here we are solving the biology question paper, board question paper of 2020. And we are on to the last video of that paper. We have solved the complete paper, sans two questions. Only last two questions are left. So we are going to complete them today. And I really hope that this thing was, this solving of the question paper was helpful for you. Do share your reviews and like and subscribe the channel, and please share it with your friends. Okay, so let us start. Question number 6 is, study the diagram given below and answer the questions that follow. Again, same thing, I'm repeating. Diagram as it is Selena book mein se copy kiya gaya hai. Pura aapka wahi diagram hai. Selena book ka diagram hai. Ye diagram aapko dekhte samajh mein aa gaya. Maize grain ka diagram hai. 1, 2, 3, 4 चार स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं आपको. इनकी लेबलिंग मैं पहले बता देती हूँ. नंबर 1 जो है वो हमारा एंडोस्पर्म है, ठीक है. नंबर 2 जो है ये स्कटलम है, या हम इसको कॉटलेडन भी कह सकते हैं. नंबर 3 जो है देखो ये सिलोप्टाइल के जो ये वाला रीजन है, ये तो ये क्या है हमारा प्लूम्यूल है. और ये जो इधर है जो ये कोलोरिजा के अंदर है, ये है हमारा रेडिकल, ठीक है. और आपको ये पता होगा कि प्लूम्यूल जो है वो इट इज प्लूम्यूल जो है वो शूट पार्ट को, इट गिव्स राइज टू द शूट पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. एंड इट इज कवर्ड बाय ये जो लेयर्स है ना, किस कलर से दिखाऊं मैं, इस कलर से दिखाते हैं. ये जो है ना ये कवरिंग है इसकी, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, ठीक है. एंड दे आर नोन एज कोलियोप्टाइल, सिलियोप्टाइल या कोलियोप्टाइल दोनों बोल देते हैं इसको. एंड जो रेडिकल है विच गिव्स राइज टू द रूट, रेडिकल गिव्स राइज टू द रूट ऑफ द प्लांट, प्लूम्यूल शूट एंड रेडिकल रूट. तो रेडिकल की कवरिंग क्या है, ये देखो ये वाली जो है कोलियोरिजा, ठीक है. तो ये सारा मिला के दे ऑल टूगेदर दे फॉर्म द एम्ब्रियो, ठीक है. ये आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर होना चाहिए एट दिस स्टेज, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है. तो मेज ग्रेन का ये डायग्राम है. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द स्ट्रक्चर शोन एंड लेबल इट्स पार्ट्स 1 एंड 2. तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, मेज ग्रेन है. मेज को ग्रेन क्यों बोलते हैं ये ध्यान है ना आपको, क्योंकि उसकी जो फ्रूट वॉल होती है और सीड कोट होती है वो फ्यूज्ड होते हैं, इसीलिए हम उसको सीड नहीं बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं, ठीक है. तो मेज ग्रेन है और उसके 1 एंड 2 पार्ट हमने लेबल कर दिए, एंडोस्पर्म एंड स्कटलम. ओके, सेकेंड इज द गिवन स्ट्रक्चर एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, गिव रीजन फॉर योर आंसर. इट इज एल्ब्यूमिनस क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है. जिन सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको हम एल्ब्यूमिनस बोलते हैं. सारे सीरियल्स हमारे एल्ब्यूमिनस होते हैं, और जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है उनको हम नॉन एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज नेम द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ पार्ट्स लेबल्ड 3 एंड 4. 3 और 4 हमारे क्या थे, प्लूम्यूल और रेडिकल. प्लूम्यूल और रेडिकल इनकी कवरिंग हमने पहले ही बोल दिया है, कोलियोप्टाइल और कोलियोरिजा. तो ये हमारे इनकी कवरिंग हो गई. नेम द प्रोटीन रिच लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, इसमें जो प्रोटीन रिच लेयर होती है वो होती है एल्यूरॉन, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द गिवन स्ट्रक्चर, व्हाई इज द गिवन स्ट्रक्चर कॉल्ड अ ग्रेन. ग्रेन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी फ्रूट वॉल और सीड कोट है वो क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, दे आर फ्यूज टूगेदर, ओके, सेपरेट नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल. प्लांट सेल का डायग्राम बना दीजिए आप. देन बेस्ड ऑन द डायग्राम ड्रॉन अबव गिव अ सूटेबल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. वो जो आपने प्लांट सेल का डायग्राम बनाया है तो ये नीचे जो आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप ये बताइए कि ये डिस्क्रिप्शन को कौन सा ऑर्गेनेल सूट करता है, किस ऑर्गेनेल के लिए डिस्क्रिप्शन परफेक्ट है, ठीक है. सो द फर्स्ट इज द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होता है एक सेल में, साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर दी राइबोसोम्स, ठीक है. देन अ सेल ऑर्गेनेल दैट इज एबसेंट इन अ प्लांट सेल. प्लांट सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, वो है सेंट्रियोल्स, है ना. और एनिमल सेल में कौन से नहीं होते, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं. गोल्गी बॉडी जो होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन वेल डेवलप नहीं होती, तो हम गोल्गी बॉडीज को यहाँ पे डिक्टायोसोम्स बोलते हैं. ये भी आपने जब सेल पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट इज द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. अब जो सेल होता है उसके पूरी बॉडी में ना, जैसे हमारे तो बोन होते हैं, बोन्स होती है, हमारा बोन्स जो हमारे एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर फ्लैश डिपॉजिट होता है एंड गिव्स अ शेप टू अ बॉडी.
सेल में क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो कि एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स है जो कि सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स पूरे सेल को, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट इज द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. द प्लास्टिड्स दैट कंटेन डीएनए एंड हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड. प्लास्टिड्स कौन से प्लास्टिड्स हैं जिनमें डीएनए होता है और जो डिवाइड करते हैं? प्लास्टिड्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट. कौन कौन से प्लास्टिड्स होते हैं आपको ध्यान है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. द स्ट्रक्चर्स दैट कैरी द हेरिडिटरी यूनिट्स. हेरिडिटरी यूनिट्स क्या होते हैं आपको याद है? हेरिडिटरी यूनिट्स क्या थी? हेरिडिटरी यूनिट्स आर द जीन्स. तो जीन्स कौन कैरी करता है? जीन्स कहाँ पे होती हैं? जीन्स जो होती हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर अटैच्ड होती हैं. द सेल ऑर्गेनेल दैट रेगुलेट्स ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शंस. सेल के सारे फंक्शंस को रेगुलेट कौन करता है? न्यूक्लियस. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर दैट इज सेमी परमिएबल इन नेचर. सेमी परमिएबल या सेमी डिफरेंशिएबल, पार्शली डिफरेंशिएबल, पार्शली परमिएबल, दैट इज आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन. आप दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज वेरी इजी, बहुत इजी था ये. तो अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. गिवन बिलो आर फोर लिविंग स्ट्रक्चर, स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. अभी चार डायग्राम दे रखे हैं आपको, ए बी सी डी, आपको इनके आइडेंटिफाई करना है. पहले तो ए क्या है आपको याद होगा, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है ना, बड़े बड़े ओवल स्ट्रक्चर्स हैं और इनमें स्पेस भी है, इंटरसेलुलर स्पेस भी है. तो ऐसा स्ट्रक्चर आपने कहाँ पढ़ा है? प्लांट टिश्यूज में पढ़ा है, वो भी पैरेन्काइमा में, है ना. पैरेन्काइमेटस सेल्स थे जहाँ पे कि बहुत सारे एयर स्पेसेस थे, उनको हम बोलते थे पैरेन्काइमा, जो कहाँ प्रेजेंट होते थे? मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में. और ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल जिनमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा. ठीक है, याद है आपको? ओके, नेम द स्ट्रक्चर्स ए बी सी एंड डी. तो ए तो हो गया हमारा पैरेन्काइमा, बी क्या है हमारा? ये है हमारा डब्ल्यू बी सी. इसमें देखो तीन न्यूक्लियाई हैं, डब्ल्यू बी सी है, वाइट ब्लड सेल है या वाइट ब्लड कॉर्पसल है. नेक्स्ट है हमारी ये जो सेल है हमारा, ये इनवॉलेंट्री मसल या स्मूथ मसल सेल है. ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं ना, ये इनवॉलेंट्री मसल का एक सेल है या स्मूथ मसल सेल है, या इसको हम अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं, तो वो भी आप बोल सकते हो. जो लास्ट है ये हमारा सेल नहीं है, ये बोन टिश्यू का डायग्राम है, इसमें बोन सेल्स होते हैं. ठीक है, बोन सेल का एक और नाम क्या होता है? चलो अभी बताते हैं. स्टडी स्टेट द लिविंग सेल्स इन द स्ट्रक्चर डी. इन्होंने यही क्वेश्चन पूछ लिया कि स्ट्रक्चर डी में जो लिविंग सेल्स होते हैं उनका नाम बताइए. तो जो नाम है बोन सेल है, या फिर हम इनको ऑस्टियो, ओके ये बहुत ठीक हो गया, हम इनको ऑस्टियोसाइट भी बोलते हैं. ठीक है, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट का मतलब बोन सेल. ओके, नेम द फ्लूइड इन विच द स्ट्रक्चर बी इज फाउंड. अब ये बी जो है डब्ल्यू बी सी, ये कौन से फ्लूइड में प्रेजेंट होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो फ्लूइड हो गया आपका ब्लड. वॉट इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर सी. स्ट्रक्चर सी जो है हमारा स्मूथ मसल सेल है, या इनवॉलेंट्री मसल सेल है, या अनस्ट्रिएटेड मसल सेल है, उसका फंक्शन क्या है? वो हमेशा हमारे ऐसे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है जो कि हमारी विल के अकॉर्डिंग काम ना करें. अगर हम परेशान हैं, हम किसी टेंशन में, हम कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, हम अपना कुछ काम करना भूल जाते हैं ना, उस समय खाना पीना भूल जाते हैं, लगे रहते हैं किसी टेंशन में या कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हमारे वाइटल ऑर्गन्स अपना काम करते रहे, हमारा उन पर कंट्रोल ना हो, ऐसे ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होता है. तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, है ना. ये जो सारी ऐसे सिस्टम हैं जिनमें कि अपने आप काम चलता रहे और हमारी लाइफ उससे अफेक्ट ना हो, ऐसी जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन. तो न्यूरॉन का आपको डायग्राम बनाना है, ये भी आप बहुत छोटी 7th-8th से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो आपको अब तक अच्छे से आना चाहिए. ओके, अब जो लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. स्टेट टू एक्टिविटीज ऑफ रेड क्रॉस, ये आपके सिलेबस में नहीं है. रेड क्रॉस की एक्टिविटीज वैसे आपको पता होनी चाहिए, जनरल सी हैं कि मतलब हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करो, मेडिसिन की सप्लाई मेंटेन करो, रूरल एरियाज में अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करिए और लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर बनाइए. जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, स्पेशली फीमेल्स ऑफ आर रूरल एरियाज, उनको थोड़ा सा अवेयर करना है ना, अलग अलग टॉपिक्स पे. स्टेट एनी टू वेज बाई विच फूड कैन बी प्रिजर्व. बहुत सारी लिस्ट है, तो इसमें आप कोई भी दो मेंशन कर सकते हो, है ना. मैंने यहाँ पे सॉल्टिंग और ड्राइंग लिया है,
और भी हो सकते हैं, आप प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, हम एक्सेस अगर शुगर ऐड करते हैं जैसे जैम्स वगैरह में तो वो भी हो सकता है, पैस्चराइजेशन भी होता है, बहुत सारी और भी प्रोसेसेस होती हैं। बॉइलिंग, ऑलराइट, वन शुड ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ, एक्सप्लेन। हमें नोज से ब्रीदिंग करनी चाहिए, माउथ से नहीं, क्यों? क्योंकि जब हम नोज से ब्रीथ करते हैं तो हमारी नोज में क्या होता है, हमारी जो नेजल लाइनिंग होती है इसमें छोटे छोटे हेयर होते हैं जो कि जो भी आपके ईयर के थ्रू जो भी डस्ट पार्टिकल जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, हमारी जो नेजल लाइनिंग होती है, नेजल ट्रैक्ट ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर एक तो हेयर होते हैं और दूसरा म्यूकस होता है, तो वो जितने भी एयर के थ्रू हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं उनको ट्रैप कर देते हैं और उनको लंग्स में अंदर नहीं जाने देते, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में नहीं जाने देते, इसीलिए हमें नोज के थ्रू ब्रीथ करना चाहिए। जब हम माउथ के थ्रू ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है कि माउथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं, हम माउथ खोलेंगे तो सब कुछ हमारे अंदर चला जाएगा एयर के साथ साथ, इन्फेक्शन भी, इसीलिए हमें नोज के थ्रू ब्रीथ करना चाहिए, माउथ के थ्रू ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज द वॉल ऑफ द ट्रेकिया सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। जो ट्रेकिया की वॉल होती है, गिव सूटेबल रीजन, ऐसा क्यों होता है? जो ट्रेकिया की वॉल होती है, इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, का मतलब ये है कि वो जो कार्टिल, जैसे ये ट्रेकिया है तो इसके चारों ओर जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो इस तरीके की हैं, कंप्लीट नहीं है। अगर हम देखें कि पीछे से अगर रिंग आ रही है, मैं इसको पूरा ड्रॉ कर देती हूँ, तो वो ऐसे हैं, ठीक है, कंप्लीट रिंग नहीं है, इस तरीके से है, तो पीछे की तरफ गैप है, सी शेप्ड हो गया ना, सी बन गया ना, ये खुला हुआ है बीच में से, तो इस तरीके से क्यों होते हैं, ताकि जब ट्रैकिया एयर जाती है तो एक्सपैंड होता है ना, इनहेल करते हैं तो ट्रैकिया थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, एक्सहेल करते हैं तो ट्रैकिया थोड़ा सा सिकुड़ता है, एक्सपेंशन के ऑपोजिट होता है, तो इस तरीके से जब ये ऑपोजिट मूवमेंट्स होते हैं, एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसको वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जो कि ट्रेकिया को कभी भी कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं होने देते। वैसे तो हमारे लंग्स में हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस में हमेशा थोड़ी बहुत एयर रहती ही रहती है, दे आर नेवर एम्प्टी ऑफ एयर, है ना, वैक्यूम कभी नहीं हो जाता कि हमने बहुत जोर से सांस छोड़ दी तो सारी हवा खत्म हो गई, हमारी एयर लंग्स में एयर ही नहीं बची, ऐसा कभी भी नहीं होता है ना, ये आप पढ़ चुके हो। ओके, स्टेज टू एक्टिविटीज ऑफ WHO, अगेन जो रेड क्रॉस की एक्टिविटीज हैं वो एक लोकल लेवल पे होती हैं, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी होती हैं, कि जैसे कोई अभी जैसे कोरोना के टाइम में हु वॉज नॉट वेरी एक्टिव, तो हु की क्रिटिसिज्म भी हुआ था WHO का कि उन्होंने टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया दुनिया को, तो WHO की सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कोई भी एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, कोई भी ऐसी डिजीज़ है, उसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाए सारी कंट्रीज़ को, उसके ट्रीटमेंट बताया जाए, उसके मेजर्स बताए जाएँ कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज़, और हो जाए तो उसको क्योर कैसे किया जाए, क्योरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों मेजर्स बताए जाएँ। फिर ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि मेडिकल सप्लाइज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे मेडिकल सप्लाइज़ भिजवाई जाएँ, कोऑर्डिनेट किया जाए बिटवीन वेरियस कंट्रीज़, मेडिकल नॉलेज शेयर की जाए, मेडिकल इक्विपमेंट्स शेयर किए जाएँ, ये सारी चीज़ें WHO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बट दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस फॉर 2021। ओके, सो दिस फिनिशेज विद योर क्वेश्चन पेपर, आई होप यू enjoyed it, enjoy तो words सही नहीं है, I really hope that you were benefited through this, okay, so okay, keep on studying and we'll meet in the next class, let's see, देखें अब क्या करेंगे, नया कुछ करते, okay, till then take care and study well.